अब साइबर क्राइम पर नकेल कसे। यहां प्रदेश में डायल 112 की अच्छी कामयाबी को लेकर के इस हेल्पलाइन नंबर पर साइबर अपराधों की शिकायतों को भी दर्ज करवाने के लिए पुलिस और सरकार सुविधा देने जा रही है। शुक्रवार को टोहाना में आयोजित अंत्योदय मेले में भाग लेने पहुंचे हरियाणा के ADGP OP सिंह ने यहां जानकारी देते हुए मीडिया को बताया कि आज मोबाइल पर पेमेंट कैपेसिटी बढ़ चुकी है। मोबाइल और ऑनलाइन नेटवर्क के जरिए पैसे का लेन देन भी जड़ चुका है। ठगी के लिए लोग हैक करके OPT नंबर की पूछताछ करते हैं और मोबाइल पर कुछ डाउनलोड करवा करके अकाउंट तक पहुँच बना लेते हैं, जिससे पैसे को निकालना आसान हो जाता है। इस तरह के साइबर अपराध आज पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर के सामने आई है। इसलिए अब 112 पर लोग अपराध की शिकायतें डायल कर सकेंगे और बता सकेंगे, इसकी व्यवस्था भी बनाई जा रही है। इसी के तहत डायल 112 के जरिए इस तरह के साइबर अपराध की शिकायतें मिलते ही तुरंत डिस्ट्रिक्ट को ट्रांसफ़र हो जाए और आधे घंटे में गोल्डन टाइम में ही पुलिस और बैंक तक पहुँच बन जाए। ऐसा और पैसा ठगा जा रहा है और पुलिस अपराधी को पैसा ट्रांसफ़र ना हो पाए। लोगों को डायल 112 पर जल्द से इस सुविधा की दिशा में काम किया जा रहा है और लोगों को इसका फ़ायदा लेना चाहिए। इसके अलावा क्राइम का ग्राफ भी कम करने के लिए 400 से ज़्यादा हार्डकोर क्रिमिनल पुलिस ने पिछले 11 महीनों में पकड़े हैं और नशे से पैसे जोड़ने वाले ड्रग तस्करों की संपत्ति भी सीज करने की कार्रवाई में आगे काम बढ़कर किया जा रहा है। पलवल फतेहवाल से राजेश भांबू की खास रिपोर्ट। क्राइम का अभी तो मौका इस मेले का था, बट क्राइम का क्या है कि जैसे जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, जिन्होंने ठगी और बदमाशी को धंधा बना रखा है, तो उनकी पहचान करके उनके खिलाफ लगातार लगे रहना और उनकी ऑपरेशनल डिफ़िकल्टी बढ़ाए रखना, यही एक तरीका। और इसी तरीके में लग रहे, अगर आप पिछले 11 महीने के आंकड़े आप देखें तो करीब 400 से ऊपर भी मोस्ट वांटेड क्रिमिनल हरियाणा भर में पकड़े गए हैं, 3000 से ऊपर के करीब जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर वो पकड़े गए। पहला नंबर तो 112 नंबर का है, 112 नंबर चला के जो है ना सरकार ने लोगों को काफ़ी लाभ दिया। जी जी, तो इसके अलावा और अन्य क्या क्या कार्यक्रम आप करने जा रहे हैं? देखिए, 112 में जो एक साइबर क्राइम एक बड़ी समस्या आज की डेट में है, तो आप देखें कि मोबाइल फ़ोन में आपका पेमेंट की कैपेसिटी भी आ गई, आपका अकाउंट भी उससे जुड़ गया है नेटवर्क से, तो इसको एक्सेस करके जैसे आपसे OTP ले लिया या आपसे कुछ डाउनलोड करवा लिया, तो लोग आपके अकाउंट तक पहुंच जाते हैं, वहां से पैसे निकाल लेते हैं। तो हम इस प्रक्रिया पर काम कर रहे हैं कि इसकी सूचना 112 पर लोग दे सकें, और वहां से हर थाने में एक साइबर डेस्क ऑलरेडी बना दिया गया है। तो जो गोल्डन आवर का कंसेप्ट है कि जैसे ही किसी ने आपके पैसे पर हाथ डाला तो आधे घंटे के अंदर जो है वो पुलिस तक मामला पहुँचे और बैंक को कह दिया जाए कि ये ठगी का मसला है, ये पैसे ट्रांसफ़र नहीं हो। तो 112 का इस्तेमाल करके हम ये कोशिश करने वाले हैं आने वाले दिनों में कि साइबर क्राइम के जो विक्टिम है वो अपने साथ हुए ठगी की सूचना फौरन दें 112 के ऊपर, और उसके बाद 112 से वो साइबर डेस्क की तरफ जाएगा और जो पैसे जो उसके ठगे गए हैं तो वो अपराधी तक नहीं पहुँचे, उसको रोकने के लिए बैंक से टाई अप करेंगे। तो ये एक बड़े अभियान पर हम काम कर रहे हैं। देखिए, हर साल जो है नशे के कारोबारियों में करीब मैं देख लें कि 2200 से लेकर 3000 मुकदमे दर्ज होते हैं, और ये 150 से 200 मुकदमे पूरे हरियाणा में हर साल दर्ज होते हैं। और हर जो इलाका NCR का जैसे इलाका है, फरीदाबाद और फतेहाबाद और सिरसा का इलाका है, तो अलग अलग तरह के जो है ड्रग्स यहाँ प्रचलित हैं। तो अभी जो हमारी मंशा है कि जिन लोगों ने काफ़ी पैसे कमा रखे हैं ड्रग प्रोसीड से, तो NDPS एक्ट के तहत 68F एक उसमें एक सेक्शन है, तो उनकी जो ड्रग्स की कमाई है उसको हम सीज करें। तो इस समय देखेंगे फतेहाबाद में भी इस तरह का सीजर हुआ है और कुरुक्षेत्रा में हुआ है, तो जो हर ज़िले में 10 बड़े बड़े स्मगलर हैं जिन्होंने नशे का कारोबार करके पैसा कमाया है, तो हमारी कोशिश है कि उस काली कमाई को हम जब्त करें, जिससे लोगों में यह मैसेज जाए कि आप इस धंधे में फल फूल नहीं सकते।